नमस्कार, मैं हूँ सोनम सिंह। आज बात करेंगे सुप्रसिद्ध सितार वादक पंडित रविशंकर का। जी हाँ, 5 अप्रैल 1920 को सुप्रसिद्ध सितार वादक पंडित रविशंकर का जन्म बनारस में हुआ था। प्रतिभा के धनी पंडित रविशंकर ने 10 वर्ष की उम्र में पहली प्रस्तुति दी। जी हाँ, ऐसी उम्र जब बच्चा खेल कूद और माँ के आंचल में रहकर समय बिताता है, जिसे सही से पता भी नहीं होता कि संगीत होता क्या है, ये सीखा कैसे जाता है। 1954 में सोवियत संघ यानी रूस में कार्यक्रम में प्रस्तुति दी। मॉनेटरी पॉप फेस्टिवल कंसर्ट फॉर बांग्लादेश व वुडस्टॉक में यादगार प्रस्तुतियां दी। मशहूर फिल्म चार्ली, गांधी व अप्पू त्रिलोगी जैसी चर्चित फिल्मों में संगीत दिया, जो लोगों ने काफ़ी पसंद किया, जिसके कारण ही पंडित रविशंकर ने लोगों के दिलों में पहले से और भी ज़्यादा जगह बनाई। बैरागी व नट भैरव जैसे रागों को रचा। 3 बार ग्रैमी अवार्ड, मैग्सेसे अवार्ड और पद्म भूषण, पद्म विभूषण और भारत रत्न से नवाजे गए। हिंदुस्तान के साथ साथ विदेशियों के दिलों पर राज करने वाले पंडित रविशंकर का 11 दिसंबर 2012 को अमेरिका में निधन हो गया।